नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस पे में स्वागत है। मेरे पास में एक बजाज कंपनी का 25 लीटर बाथरूम गीजर है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। और जैसे हम इसकी जो पावर है उसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसका जो पावर इंडिकेटर की जो यहाँ पर ऑरेंज लाइट है ये तो जलती है, लेकिन जो ग्रीन लाइट है वो बिल्कुल भी नहीं जल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी जो पावर है अभी ऑन करके रखी है और यहाँ पे इसका जो ऑरेंज वाली इंडिकेटर लाइट है ये जल रही है। हो सकता है कि आपके इसमें यहाँ पे रेड कलर की लाइट लगी हो, लेकिन ये जो हमारी ग्रीन कलर की लाइट है यहाँ पर ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। और ये ग्रीन कलर की लाइट ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो ऑन है और जो पानी है वो गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। और हमें इसी से पता चल जाता है कि हमारी इस गीजर में क्या प्रॉब्लम है। जब भी हमारे यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर लाइट नहीं जलती है और ये दूसरी वाली जो लाइट है चाहे रेड कलर की हो चाहे ऑरेंज कलर की हो ये जल रही होती है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे गीजर के अंदर में जो एक थर्मोस्टेट लगा रहता है वो खराब हो चुका है और उसी में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा जो पानी भी गर्म नहीं हो रहा है और ये जो ग्रीन इंडिकेटर की लाइट है ये भी ग्लो नहीं कर रही है। तो हमें उस थर्मोस्टेट को ही चेंज करना होता है। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो थर्मोस्टेट ही खराब है या कोई वायर वगैरह भी कई बार लूज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें इस बॉटम कवर को ओपन करना पड़ेगा और इस बॉटम कवर को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रू लगा हुआ है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे दो या तीन स्क्रू लगे हों, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इस बॉटम कवर को ओपन कर लेना है इन स्क्रूज को ओपन करके। तो मैं जल्दी से इस स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। स्क्रू ओपन करने के बाद में आपको इसका जो बॉटम कवर है उसे बहुत ही जेंटली बाहर की तरफ को खींच लेना है और इसके अंदर में यहाँ पे ये जो बल्ब लगे हैं इन्हें आप रिमूव कर लें और इस बॉटम कवर को साइड में रख दें। ये देखिए, ये रहा हमारा थर्मोस्टैट ये वाला, और ये जो बैक साइड पे ये हमारा थर्मल कट ऑफ जिसे पावर कट ऑफ भी कहा जाता है वो लगा हुआ है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इस थर्मोस्टैट तक हमारी पावर आ रही है या नहीं। वैसे तो हमने यहाँ पर पहले ये चेक किया हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो इंडिकेटर लाइट है एक बल्ब जल रहा था पावर वाला, जिसे हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि हमारा जो थर्मल कट ऑफ लगा हुआ है वहां से पावर जो सीधे हमारे थर्मोस्टैट तक आ रही है। लेकिन फिर भी हम मेक श्योर करने के लिए एक बार मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। और ये चेक करने के लिए आपको जो है वो एक टेस्टर पेन लेना है और टेस्टर पेन से हमें इस वायर को चेक करना है क्योंकि ये हमारी थर्मल जो कट ऑफ है यहाँ से सीधे आ रही है हमारे थर्मोस्टेट तक। तो इस पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो पावर है वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल रही होगी। ये देखिए, ये ग्लो कर रहा है। थोड़ा मैं फिर से एक बार लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको देखने को मिल रही होगी। और अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये देखिए, अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ से ये जो थर्मोस्टेट का दूसरा पॉइंट है यहाँ पे भी पावर शो हो रही है या नहीं, क्योंकि यहीं से हमारी जो पावर सीधे हमारा जो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है वहां तक जाती है। तो इस पॉइंट पर भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं जैसे इस पेन को लगा रहा हूँ यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी पावर आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। ये देखिए, जबकि हमें यहाँ पर क्लियरली जो पावर है वो देखने को मिल रही है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है यही खराब है और हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसे ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो वायरिंग कनेक्शन है इन्हें आपको रिमूव करना है। तो इन्हें सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेना है और ओपन करने से पहले मेक श्योर करें कि आप जो पावर है उसे बंद कर लें। तो मैं भी यहाँ पर इसकी जो पावर कोड है उसे निकाल देता हूँ और उसके बाद में इसके जो वायरिंग कनेक्शन है इन्हें रिमूव कर लेते हैं। वायरिंग कनेक्शंस को रिमूव करने के बाद में आपको जस्ट इसे पकड़ना है और नीचे की तरफ को खींच लेना है। जो आपका थर्मोस्टेट है वो यहाँ पर बाहर की तरफ को बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब हम इस थर्मोस्टेट को जो ओपन करके भी चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि इसके अंदर में कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, कई बार उनके ऊपर में जस्ट कार्बन आ जाती है, तो उस कार्बन को तो हम जस्ट क्लीन करके भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये रिपेयरेबल है या फिर ये खराबी हो चुका है। और इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे इसे कवर को आपको ऊपर की तरफ को खींचना होता है। यहाँ पर साइड पे कुछ एक क्लिप्स वगैरह लगे रहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से उन्हें इस तरह से करना है। और ये देखिए, ये यहाँ पर ओपन हो गया है और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट। थोड़ा मैं इसे जूम करने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए, थोड़ा ये जूम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये यहाँ पर इस वाली टर्मिनल के साथ में टच होता है। ये देखिए,
और ये जो टर्मिनल है इसकी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ऊपर की तरफ को उठ गया है, और इसके बॉटम पे यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का जो पीस है वो अटक रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। और ये जो प्लेट है ये वाली, ये जो ऊपर की तरफ को इस तरह से इंक्लाइंड हो गई है, ये एक्चुअल में इस तरह से नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्लैट होती है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट उसके साथ में टच करता है, और इसी के कारण ये जो हमारा थर्मोस्टैट है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पावर है उसे नहीं पहुँचा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कार्बन है वो देखने को मिल रहा होगा, और स्पार्किंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये हीट हुआ है ये पॉइंट, और हीट होने की वजह से ये जो हमारी प्लेट है ये ऊपर की तरफ को उठ चुकी है। इस प्लास्टिक की वजह से ये प्लास्टिक भी यहाँ पर डिफॉर्म हो चुका है गर्म होने की वजह से, तभी ये जो हमारा थर्मोस्टेट है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। वैसे तो हम अगर चाहें तो इसे रिपेयर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप एक नया ही थर्मोस्टेट इस केस में लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेट है ये ख़राब हो चुकी है, और अगर आप इसे ऐसे ही यूज़ करते हैं तो ये कुछ टाइम तो निकाल देगा, 5-6 महीने भी मे बी आपके निकाल दे, लेकिन उसके बाद फिर से ये ख़राब हो ही जाएगा। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर एक न्यू थर्मोस्टेट जो वो लगा दे, आपको बाज़ार से एक न्यू थर्मोस्टेट जो लेके आ जाना है, और बेस्ट रहता है कि आप अपने साथ जो पुराने वाला थर्मोस्टेट है वो भी लेके जाएं, आपको इसकी जो शेप और साइज़ है वो मैच करके इसे लाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो ये रॉड की लेंथ है ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली मैच करके ही लाना है। और ये जो थर्मोस्टेट है ये आपको लगभग 100 से 150 रुपये में मार्केट में मिल जाते हैं। इसकी जो प्राइस है वो आपकी किस जगह पे आप रहते हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अपने गीजर के लिए न्यू थर्मोस्टेट लेके आ गया हूँ, अब इसे हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, जैसे हमने इसे बाहर निकाला था उसके बिल्कुल अपोजिट वे में हमें इसे वापस लगा देना है। तो ये जो इसकी रॉड वाली साइड है ये आपको यहाँ पर एक ऊपर की तरफ में होल देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ये रहा, आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। और ये जो इसका यहाँ पे एक मेटल क्लिप बना हुआ है ये बिल्कुल इस रॉड के इस एंड पे जाके टच हो जाता है, तो आपको इसे इस तरह से इंसर्ट कर देना है और हल्का सा दबा के ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसके बाद में जस्ट आपको इसके जो हमने यहाँ से वायरिंग कनेक्शन निकाले थे, इन वायरिंग कनेक्शन को आपको कर देना है। और वायरिंग कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो हमारी पुरानी वाली वायर है, ये देखिए जो हमारे थर्मल कट ऑफ से आ रही है, ये पीछे से आ रही है, ये यहाँ पर ये देखिए बर्न हो गई है, और मैं यहाँ पे अगर अपने हाथ से इसे फील कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। तो इस केस में मुझे इस वायर को चेंज करना पड़ेगा, पीछे की तरफ में ये काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन यहाँ से ये गर्म हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह की अगर वायर है तो उसे आपको चेंज कर लेना चाहिए, बेस्ट रहता है कि आप उसे चेंज कर लें। तो मैं भी इस वायर को चेंज कर लेता हूँ और न्यू वायर यहाँ पे इंस्टॉल मुझे करनी पड़ेगी। मैंने इस वायर को जो चेंज कर लिया, अब जल्दी से इस थर्मोस्टेट के जो वायरिंग कनेक्शन है उन्हें कर लेते हैं। मैंने थर्मोस्टेट के कनेक्शंस कर दिए हैं, अब मैं आपको टेस्ट पेन की मदद से ये चेक करवा देता हूँ कि इस पॉइंट पे पहले यहाँ पर जो पावर है वो शो नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे पावर शो हो रही है या नहीं। तो मैं जो इसकी पावर कोड है पहले उसे लगा देता हूँ, और पावर कोड जो हमारी लग चुकी है, तो पहले मैं आपको इस पॉइंट पे चेक करा देता हूँ। पहले यहाँ पर हमारे टेस्ट पेन में यहाँ पे शो कर रहा था कि पावर आ रही है, ये देखिए अभी भी यहाँ पर पावर शो कर रही है। अब मैं इस पॉइंट पे भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिए इस पॉइंट पे भी अब पावर देखने को हमें मिल रही है, इसका मतलब हमारी जो रिपेयर है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। देखिए हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वहाँ पर भी अब पावर जा रही है। तो अब जस्ट मुझे इसका जो कवर है उसे वापस से लगा देना है। मैंने बॉटम कवर को जो लगा दिया है, अब मैं गीजर ऑन करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो पहले ग्रीन वाली लाइट यहाँ पे नहीं जल रही थी हमारी हीटिंग वाली लाइट, वो भी अब ग्लो करने शुरू कर दी है। तो इस तरह से आप भी अपने गीजर में अगर कोई हीटिंग इशू है, अगर आपका पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप उसे डायग्नोस करके उसका जो थर्मोस्टेट उसे चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।